अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, इससे पहले एम्फीबियंस भी थे जो वाटर और लैंड दोनों जगह पे रहते थे, लेकिन रिप्टाइल्स वो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जो सिर्फ कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे। इनकी सक्सेस का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एमनियोटिक एग्स। एमनियोटिक एग्स कौन से होते हैं, वो एग्स जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी हैं, जैसे एल्बोमिन है, कोरियान है, एलेंटॉइस है, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं लैंड पे, क्योंकि लैंड पे कंडीशन जो है वो ज़्यादा हार्श है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक तो प्रोटेक्ट करती हैं डेसिकेशन से, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में डेसिकेशन का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। देन एम्ब्रियो को कुशन प्रोवाइड करती हैं, एग ट्रांसफ़र में हेल्प आउट करती हैं, और इसके अलावा वेस्ट मटेरियल जितने भी होते हैं उनको स्टोर करती हैं। अब जो एमनियोटिक एग्स होते हैं ना रिप्टाइल्स और बर्ड्स के, उनमें ना इन लेयर्स के अलावा शेल भी होता है आउटसाइड पे, वो टफ़ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और हेल्पफुल होता है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने में। एल्बोमिन होती है इनमें, ठीक है, एल्बोमिन क्या फंक्शन होता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिएंट्स देती है एम्ब्रियो को। ठीक है, इसके अलावा योक होती है, योक जो है वो फूड सप्लाई करती है। अब बेसिकली रेप्टाइल्स को ना हम थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और ये समझा जाता है एवोल्यूशनरी तौर पे कि जो रेप्टाइल्स हैं ना उनसे फर्दर मैमल्स और जो बर्ड्स हैं उनका ओरिजिन हुआ। अब सबसे पहला ग्रुप है एनोप्सिड्स, द सेकंड वन इज़ डाइऑप्सिड्स, एंड थर्ड वन इज़ सिनोप्सिड्स। अब एनोप्सिड्स ये वो रेप्टाइल्स होते हैं जिनमें स्कल का जो टेम्पोरल रीजन है उसमें कोई ओपनिंग्स नहीं होती। ठीक है, एनोप्सिड्स। सेकेंड वन है डाइऑप्सिड्स, नाम इंडिकेट कर रहा है टेम्पोरल रीजन ऑफ स्कल हैज़ टू ओपनिंग्स, अपर एंड लोअर। अभी हम इनको पिक्चर्स में देखते हैं। थर्ड वन इज़ सिनोप्सिड्स। सिनोप्सिड्स क्या है कि सिंगल डॉर्सल ओपनिंग होती है टेम्पोरल रीजन ऑफ स्कल में। अब हम इनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। एनोप्सिड्स में आते हैं टर्टल्स, और ये कहा जाता है कि जो बाकी सारे रेप्टाइल्स हैं ना उनसे एनोप्सिड्स जो हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे हैं, क्लोजली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और इनका सबसे पहला फॉसिल हमें कब मिला था, 245 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो रॉक्स हैं ना वहाँ से हमें इनका फर्स्ट फॉसिल मिला था। उसके बाद डाइऑप्सिड्स को हम डिवाइड कर देते हैं दो सब क्लासेस में, लेपिडोसोरिया एंड आर्कोसोरिया। लेपिडोसोरिया में फर्दर आ जाते हैं स्नैक्स, लिजर्ड्स एंड टाउटारास। अब आर्कोसोरिया में आ जाते हैं डायनासोर्स। ठीक है, ये मोस्टली जो है ना एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन इनके सिर्फ लिविंग मेंबर्स जो हैं वो क्रोकोडाइल्स हैं, और हम कहते हैं कि डायनासोर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं ओरिजिन ऑफ बर्ड्स में, तो इसमें हम बर्ड्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब थर्ड वन है सिनोप्सिड्स। सिनोप्सिड्स के ना वैसे तो सारे जो मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये ग्रुप इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिनोप्सिड की फर्दर एक डिवीजन है थिरोप्सिड्स, जिनको कहा जाता है कि इनसे मैमल्स का ओरिजिन हुआ। सो थिरोप्सिड्स कौन है, मैमल्स के इंसेस्टर्स। अब हम देख लेते हैं रिप्टाइल्स के ऑर्डर्स। रिप्टाइल्स को बेसिकली हम फोर ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं। ऑर्डर टेस्टोडाइन्स, जिसको हम चिलोनिया भी कहते हैं, ऑर्डर रिंकोसेफेलिया, ऑर्डर सक्वामेटा एंड ऑर्डर क्रोकोडिलिया। सबसे पहले है टेस्टोडाइन्स। टेस्टोडाइन्स में आते हैं टर्टल्स, और इनकी लिविंग स्पीशीज़ कितनी है, 225। अब टर्टल्स को हम करैक्टराइज कैसे करते हैं, एक तो इनमें होता है बोनी शेल, आपने टर्टल्स देखे होंगे उनकी स्किन के ऊपर एक शेल होता है। ठीक है, लिम्ब्स जो हैं वो आर्टिकुलेशन होती है उनकी रिब्स के साथ। ठीक है, और इनमें टीथ नहीं होते, टीथ की जगह पे क्या होती है कि बीक होती है, और बीक किससे बनी होती है, कैरेटिन से, जो कि एक प्रोटीन है। अब जो टर्टल्स का शेल है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इनके शेल को हम डिवाइड कर देते हैं दो पोर्शंस में, एक होता है कारापेस और एक होता है प्लास्ट्रॉन। अब जो कारापेस है ना वो है
कह लें और डॉर्सल रीजन है, ठीक है। और ये बनता कैसे है, वर्टिब्रा मिलते हैं, रिब्स मिलती हैं, और जो बोन्स होती है ना डर्मस रीजन में स्किन के, वो मिलके कारापेस बना देती हैं। प्लेस्ट्रोन कैसे बनता है, पेक्टोरल गिर्डल और डर्मल बोन से, ठीक है। और कैरेटिन ने इन दोनों को ना, ये जो इनकी बोन्स होती है ना दोनों में, इन दोनों को कवर किया होता है। अब जो शेल है ना अमेरिकन बॉक्स टर्टल का, उसमें ना फ्लेक्सिबल एरियाज होते हैं। उन फ्लेक्सिबल एरिया को हम क्या कहते हैं, हिंज, ठीक है, जैसे एक जॉइंट होता है ना। और ये अलाउ करता है कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन्स है ना प्लेस्ट्रॉन के, जो कि वेंट्रल शेल है, ठीक है, वो रेज हो जाएं, अप हो जाएं। इसके अलावा जैसे ही जो ये अपना हेड ड्रा करते हैं ना शेल के अंदर, तो ये क्या करता है, शेल ओपनिंग को क्लोज करने में भी हेल्प करता है। अब 8 सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं इनमें, ठीक है, जो एक ना एस शेप ऐसी कन्फिग्रेशन में अरेंज होते हैं। इस कन्फिग्रेशन का फ़ायदा क्या होता है कि इससे हेड जो है ना उसको शेल के अंदर जाने में ना हेल्प मिलती है। अब टर्टल्स की लाइफ को देख लेते हैं हम। वैसे कहा जाता है कि ये बहुत अरसे तक ज़िंदा रहने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, इनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। और ऐसे भी टर्टल्स हैं जो कि 100 सालों तक ज़िंदा रहते हैं, जैसे गैलापागोस आइलैंड पे जो टर्टल्स होते हैं। अब मेच्योर कब होते हैं, 7 to 8 ईयर्स की एज में ना मेच्योरिटी ले लेते हैं, और उसके बाद 14 or more ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग लेइंग होते हैं। डिवेलपमेंट इनकी कितने टाइम ड्यूरेशन में होती है, 1 to 4 वीक्स में, और पेरेंटल केयर नहीं होती इनमें। अब नेक्स्ट इनका जो ऑर्डर है वो है रिंकोसिफेलिया। अब रिंकोसिफेलिया जो है ना, इसके बाकी सारे मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि वो ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ एक लिविंग मेंबर है, उसको हमने नाम दिया है टउटारा। टउटारा बेसिकली अगर हम उसको वैसे देखें ना तो हमें लगता है जैसे लिजर्ड है, लेकिन वो लिजर्ड लाइक होता है सिर्फ सुपरफिशियली, मतलब ऊपर से ना मॉर्फोलॉजिकली। ये जो है ना अपने जो इनके रिलेटिव्स थे जो मीज़ोज़ोइक एरा में प्रेजेंट थे उनकी तरह हैं बिल्कुल, ठीक है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आया। अब इनको हमने डिस्टिंग्विश कैसे करना है, हम दो चीज़ें देखते हैं इनमें। एक तो टूथ अटैचमेंट देखते हैं कि अटैच कैसे हैं, और स्ट्रक्चर इनका देखते हैं। अब टूथ अटैचमेंट इनकी कैसे होती है कि अपर जा पे ना दो रोज होती हैं टीथ की, लोअर जा पे एक रो होती है, वो दोनों मिल के ना प्रे को कैप्चर कर लेती हैं, ठीक है। और वैसे इनका शिकार बहुत ज़्यादा इनको किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए इनको ना प्रोटेक्शन दी जा रही है आजकल, कहाँ पे, न्यूजीलैंड के आइलैंड्स वगैरह में, ठीक है। अब एक्टिव ये कब होते हैं, डॉन एंड डस्क टाइम पे। फीडिंग इनकी क्या होती है, इंसेक्ट्स और स्मॉल वर्टिब्रेट्स पे फीड कर। अब ऑर्डर सक्वेमेटा जो है ना, उसको फर्दर हमने डिवाइड किया है 3 सब ऑर्डर्स में, ठीक है। फर्स्ट वन है सोरिया, जिसमें आती हैं लीजर्स। सेकेंड वन है सरपेंटस, जिसमें आते हैं स्नेक्स। और थर्ड वन है एम्फिसबेनिया, जिसमें आती हैं वॉर्म लीजर्स। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर एम्फिसबेनिया, जिसमें आती हैं वॉर्म लीजर्स। स्पीशीज़ इनकी कितनी है, 135। रहते कहाँ पे हैं, बरोस में। कौन से एरिया में, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिड ईस्ट। और ये लेगलेस होते हैं, ठीक है, बरोज़ में रहते हैं, तो लेग्स जो हैं वो प्रोबेबली एक प्रॉब्लम काज कर दे सकती हैं इनके लिए, ठीक है। अब इनकी स्कल कैसे होती है, जैसे शॉवल होता है ना वैसी इनकी स्कल होती है, या वेज शेप होती है। इनके अपर जॉ में सिर्फ एक ही टूथ होता है, और इनकी स्किन पे ना ऐसे फोल्डिंग सी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, एनोलाए। अभी पिक्चर देखते हैं हम इनकी। और ये एनोलाए जो है ये लूजली अटैच होती हैं। जब इन्होंने ना बोरिंग करनी होती है तो क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं ना वो इनमें ना बल्जिंग क्रिएट कर देते हैं, मतलब ये बल्ज की तरह ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, और इस तरह ये एंकरिंग में हेल्प आउट करती हैं। अब एम्फिसबेनिया जो है ना ये फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फिसबेनिया। फीडिंग इनकी क्या होती है, वर्म्स पे फीड करते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एग लेइंग होती है इनमें। अब जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो है ऑर्डर सरपेंटस। मैंने आपको पहले बताया सरपेंटस किसका ऑर्डर है, स्नेक्स वगैरह का। 2300 स्पीशीज़ हैं इनमें, जिनमें से सिर्फ 300 डेंजरस हैं,
और एक और इंटरेस्टिंग बात कि जो स्नेक्स के काटने से मरने वालों की तादाद है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे रीजन में है, यानी कि सऊदी एशिया में, सऊदी ईस्ट एशिया। अच्छा, अब ये एलोंगेट होते हैं, इनमें कोई लिम्स नहीं होते। स्नेक्स तो आपने कब पिक्चर्स में ही देखे होंगे, अगर वैसे नहीं भी देखे तो, लेकिन हर बंदा जो है इनसे फेमिलियर होता है। अब इनमें क्या होता है, जो पेल्विक गिर्डल है ना, वो वेस्टिजियल हो चुका है। स्केलेटन जो है उसमें 200 वर्टिब्राई होते हैं और रिब्स होती हैं। जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द वर्टिब्राए, 200 वर्टिब्रा हैं और उनके दरमियान जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। अब जॉइंट्स का क्या काम होता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनकी स्कल इस तरह अडॉप्टेड होती है कि वो प्रे को ना ऐसे ही स्वेलो कर जाते हैं, मतलब लार्ज साइज प्रे हो ना तब भी। अभी ये हम फीडिंग में इनकी स्कल अडॉप्टेशन देखेंगे। अपर जॉ जो है वो मूवेबल है स्कल पे, और लोअर जॉ जो है वो लूजली ज्वाइंट है। इस तरह क्या होता है कि ये हाफ जो जॉ होता है ना, अपर जॉ और लोअर जॉ, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, और इस तरह वो प्रे जो है ना उसको कैप्चर कर लेते हैं और स्वेलो कर लेते हैं। इनमें लीजर्ड से क्या डिफरेंट होता है, फोकसिंग का मैकानिज़म जिसको हम अकोमोडेशन बोलते हैं, और एंटीना की मॉर्फोलॉजी। अब एलोंगेशन एंड बॉडी नैरोविंग, इनमें क्या हुआ है कि ना इनकी बॉडी जो है, आपको पता है स्नेक्स जो है ये एलोंगेट होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ ऑर्गन्स जो है ना उनकी रिडक्शन हो गई है या कम्प्लीटली ख़त्म हो गए हैं, जैसे लेफ़्ट लंग है, गॉल ब्लैडर है, राइट किडनी है, और समटाइम गुनेड्स जो है ना उनकी भी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। उसके बाद स्नेक्स जो हैं वो बेसिकली ओवीपैरस हैं, यानी कि एग ले करते हैं। और अब ना इनके जो कह लें लाइफ स्टाइल है, इनकी मूवमेंट है, उसके बारे में ना कुछ हाइपोथेसिस हैं। एक हाइपोथेसिस तो ये है कि जो अर्लीस्ट स्नेक्स थे ना, वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते थे और उनकी लेग्स थी, लेकिन एक्वेटिक इन्वायरमेंट में वो ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन थी, तो लेग्स जो है ना उनकी, वो उनको मूव करने में मतलब प्रॉब्लम काज करती थी, इसलिए वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट से जब वो लैंड पे आए तो आस्ता आस्ता उनकी लेग्स जो हैं वो ख़त्म हो गई। सेकंड हाइपोथेसिस क्या है कि ये बरोस में रहते थे लैंड पे, ठीक है, लैंड पे बरोस में रहते थे, बरोस के अंदर जब इन्होंने जाना होता था तो जो लेग्स थी ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, इस तरह वो आस्ता आस्ता इन्होंने उसका यूज़ कम किया और वेस्टिजियल हो गई। ये दो हाइपोथेसिस माने जाते हैं इनके जो अपेंडिजेस हैं उसके लॉस के बारे में। अब नेक्स्ट है सब ऑर्डर सोरिया, इसमें आती हैं लिजर्ड्स और इनकी होती हैं 3300 स्पीशीज़। लिजर्ड्स में क्या होता है, टू पेयर ऑफ लेग्स हैं, लिजर्ड्स भी सबने देखी होंगी, ठीक है, उन आपको पता है उनमें दो पेयर्स होते हैं लेग्स के, और इनके जो अपर और लोअर जॉज होते हैं ना वो जुड़े होते हैं। स्नेक में हमने देखा ना कि जो अपर और लोअर जॉ का हाफ हाफ पार्ट था ना, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता था। अब कुछ लिजर्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें लेग्स नहीं होती, लेकिन उनमें भी ना वेस्टिजियली प्रेजेंट होते हैं पेक्टोरल गिर्डर और स्टर्नम। लेंथ इनकी कितनी होती है, फ्यू सेंटीमीटर से 3 मीटर्स तक जाती है। हैबिटेट इनका कहाँ पे होता है, रॉक्स में रहती हैं, बरोस में रहती हैं, इसके अलावा ये वॉल्स, घर में जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे रहती हैं। और अब जो हमारे घरों में रहने वाली लिजर्ड है ना, उसका नाम है जैकोज, ठीक है, अब आपने लिजर्ड नहीं कहना, कहना है जैकोज है, जैकोज आ रही है। अब ह्यूमन हाउस डिवेलर है ये, शॉर्ट होती है, स्टाउट है, नेक्टर्नल है, समटाइम डे टाइम में भी नज़र आ जाती है ये, और ये ऐसी लिजर्ड्स हैं जो कि वोकलाइजेशन कर सकती हैं। बहुत कम लिजर्ड्स ऐसी होती हैं जो वॉइस प्रोड्यूस करती हैं। इनकी आइज़ जो हैं वो लार्ज होती हैं, लेकिन दिन टाइम क्या होता है कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट, उनमें ना कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मतलब वो छोटी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन नाइट टाइम पे क्या होता है कि वो डाइलेट कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये नेक्टर्नल इन नेचर हैं। अब हमारा लास्ट ऑर्डर है जो कि है ऑर्डर क्रोकोडिलिया, इनके 21 स्पीशीज़ हैं। हमने पहले देखा क्रोकोडिलिया इवॉल्व कहाँ से हुए, आर्कोसोरिया से। अब इनमें क्या होता है कि ओपनिंग्स होती हैं स्कल में, फ्रंट ऑफ आई में, आई ऑर्बिट्स इनके ट्रायंगुलर होते हैं, लेटरली कंप्रेस्ड टेल होती है, इसके मेंबर्स एलिगेटर हैं, क्रोकोडाइल हैं, गेवियल्स। अब इनमें क्या होता है कि 170 मिलियन ईयर्स पहले से अब तक इनमें कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है, यानी ये जितने 170 मिलियन ईयर्स पहले जैसे थे ना, अभी भी वैसे ही हैं।
स्नोट इनकी इलोंगेट होती है इस टाइप की, ठीक है। और स्नोट जो है वो हेल्प करती है प्रे को कैप्चर करने में। स्नोट के टिप पे ना नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। उसका इनको फ़ायदा क्या होता है कि जब ये सबमर्ज्ड होते हैं ना, तो ये टिप पे नोस्ट्रल्स की हेल्प से सांस ले सकते हैं। एयर जो है, एयर पैसेज भी होते हैं हेड में, ठीक है, माउथ की बैक साइड पे, और जाते हैं थॉरेक्स में। इसके अलावा इनमें ना एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है। अब उस फ्लैप ऑफ टिश्यू का फंक्शन क्या होता है कि वो ब्रीदिंग को हेल्प आउट करता है विदाउट इनहेलिंग वाटर, यानी कि पानी मुंह में ना आए, सिर्फ ये सांस ले सकें। और ये फ्लैप ऑफ टिश्यू होता कहाँ पे है, टंग की बैक साइड पे। इसके अलावा इनमें ना सेकेंडरी पैलेट होता है। उसका फंक्शन क्या होता है कि वो नेज़ल और माउथ पैसेज वेज को सेपरेट करता है। टेल इनकी हमने देखा कि लेटरली कंप्रेस्ड है, सो मस्कुलर एलोंगेट लेटरली कंप्रेस्ड। फंक्शन टेल के क्या क्या होते हैं, स्विमिंग में हेल्प आउट करती है, ऑफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प आउट करती है, और प्रे अटैक में। स्टमक इनका क्या होता है, गिजर्ड लाइक होता है, ये स्वेलो कर जाते हैं रॉक्स वगैरह भी। एग लेइंग होते हैं और पेरेंटल केयर इनमें प्रेजेंट होती है। ये थे हमारे ऑर्डर्स। इसके बाद हम ऑर्गन सिस्टम देखेंगे रेप्टाइल्स का इंशाल्लाह कल। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।